सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निहाज इजी टिप्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ आप फेस अपना क्लीन कैसे कर सकते हैं, डेली कीजिए क्लीन और नेचुरल तरीके से आप क्लीन कैसे कर सकते हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो और मेरा चेहरा ग्लो करे, मेरे फेस पे शाइनिंग हो, ग्लो करे चेहरा। इसके लिए मैं आज ज़बरदस्त आपके लिए एक लेकर आई हूँ प्रोडक्ट नहीं बोल सकती, ये नेचुरल तरीके से, इसे एलोवेरा। एलोवेरा सबको पता होते हैं कि एलोवेरा ये बहुत अच्छा है, इसको आप इसका जूस बना के भी पी सकते हैं, इसको फेस में भी लगाया जाता है, ये बहुत ही लाभदायक होता है, ये फेस के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा। और मेरे गार्डन में ये है इसलिए मैं सोची मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताऊँ। सो देख सकते हैं ये है एलोवेरा, मैं अपने तोड़ के और धो के लाई हूँ। इसको देखिए कैसे कट करते हैं, इससे मैं अपने फेस को ग्लो करके दिखाऊंगी, एकदम नेचुरल तरीके से आपको बताती हूँ। सो देख सकते हैं इसको, इसका कांटा चुभता है, इसका कांटा आप साइड से हटा लें और मैं करके आपको बता। इसको आप इस तरह से इसको छील लें और इस पर चाकू से इसको चारों तरफ से कट कर लें ताकि इससे इसका गुद्दा और रस निकलते जाए। ऐसे 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 इसको पूरा तरह से करके मैं करके आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैं देखती हूँ बना के, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है अपने चेहरा को ग्लो करने के लिए। आप पार्लर में जाओगी फेशियल करवाने या ब्लीच करवाने तो पार्लर वाली बहुत बहुत पैसे ले लेती हैं, आप अपने घर पे ऐसे करो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक सप्ताह करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा ही रिजल्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे अच्छे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो देख सकते हैं मैं ये रोज़ वाटर ली हूँ और इसका रैपर फट चुका है लेकिन ये रोज़ वाटर है और इसको मैं इसमें ऐसे करके ऐसे ऐसे डाल रही हूँ और इससे मैं देखो इसको डाल के और ऐसे मैं चेहरा पर मसाज करूँगी। देख सकते इसको पूरा तरह से, मेरा बाल भी खुल गया। और इसको इस तरह से करके आप 10 मिनट मसाज करो और एक सप्ताह आप करके देखो, आपके चेहरे में खुद फर्क आने लगेगा। सर्दियों के दिनों में आपके चेहरे पे अजीब सा टाइटनेस, रूखापन हो जाता है, वो सब आपका दूर होगा, आपको अपना चेहरा ही छूने में अच्छा लगेगा, सॉफ्टनेस बना रहेगा, ग्लो आ जाएगा चेहरा पर, शाइनिंग आ जाएगा। सो आप इसको करके देखो, आप इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पूरे फेस पे मसाज करो। आप इसको ऐसे करके वो अच्छे से मसाज कीजिए, मुंह में चला जाएगा तो थोड़ा कड़वा लगेगा इसलिए आप होठ के बगल बगल मसाज करें। इसको बहुत अच्छे से मसाज करके और फिर आपको जो काम हो सो काम कीजिए, आधे घंटे में ये सूख जाएगा। फिर इसको धो के अपने चेहरा को देखिए, इतना अच्छा ग्लो आ जाता है ना, आप खुश हो जाएंगे। इसको खूब अच्छे से जितना हो सके आप अच्छे से इसको मसाज कीजिए, 10 मिनट हो 5 मिनट जितना आपसे बन पड़े आप इसको कीजिए। मेरा दोस्तों मेरा मसाज हो चुका है, अब मैं इसे आधा घंटा तक सूखने दूंगी, या सुखा सकते हैं या आप ऐसे भी इसको फ्रेश धो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सूख जाएगा चेहरा में थोड़ा और मिल जाएगा तो सही रहेगा। मैं 10 मिनट मसाज कर चुकी हूँ और इसको मैं धो के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं चेहरा साफ करके आई हूँ, आई होप आपको चेहरा में ज़रूर फर्क नज़र आ रहा होगा। और मुझे ये छूने से बहुत स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट सा दिख रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आप भी इसे ट्राई करें और इसका रिजल्ट जानें। आप एक सप्ताह तक करके देखें, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फर्क समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।